तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11। कोई नहीं है गाइस, मेरे अलावा कोई नहीं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष व्लॉग्स। तो कैसे बज रहे दोपहर के 2:30। और जैसे कि आपको पता है, मेरा डेली व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम यही है और वक्त हो गया हमारा व्लॉग स्टार्ट करने का। तो आज लाइट वगैरह ऐसे जल रही है दोपहर को, क्योंकि बाहर वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही थी, तो मेरा लाइट के द्वारा ब्लॉगिंग कर नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ना धीरे धीरे अच्छा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है। सो अभी आपको मैं बाहर का वेदर दिखाता हूँ, चलिए। वैसे देखिए बाहर का कुछ वेदर इस तरह से हो रहा है, सारी गली गीली हुई है। गीली तो नहीं थी, सूखनी थोड़ी ना थी, बारिश जो आ रही थी। मैं भी क्या पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ। ये देखिए क्या वेदर हो रहा, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, मस्त व्यू, इसको बोलते हैं मस्त वेदर वो हो रहा है। तो वैसे वेदर वो मस्त हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आपको बाहर का भी दिखाते हैं। काफ़ी मस्त वेदर हो रहा है, काफ़ी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम बहुत, क्योंकि यहाँ अराउंड सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 या 2:30 बजे तक बारिश हुई है यहाँ पे। तो इतनी बारिश होगी आपको तो खुद पता है, इतनी बारिश होगी तो वेदर तो काफ़ी अच्छा ही हो जाएगा। सो अभी देखो चिड़ियाँ वगैरह चहका रही हैं, मज़ा मतलब बाहर बैठ के ना काफ़ी अच्छी वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं नेचर में बैठा हुआ, बहुत अच्छा। वैसे मेरे को नेचर बहुत पसंद है गाइस, नेचर में बैठना, आई लाइक दिस नेचर। सो ऐसा लग रहा है मैं नेचर में बैठा हूँ, पर कोई ना भी, इंजॉय करता हूँ मैं। फिर आपको मिलता हूँ मैं शाम को, शाम को मैं शायद थोड़ा बाजार वगैरह जाऊँगा। सो मैं आपको शाम को मिलता हूँ, बाय। सो गाइस घर में डिनर की तैयारी हो रही है। हेलो मम्मी, हाय आशु, खाने में क्या बना है रात के डिनर में? पनीर की सब्जी है, साथ में चपाती है और दही है। पनीर की सब्जी आपको दिखा देते हैं, ओह माय गॉड क्या टेस्टी लग रही है। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11 और डिनर वगैरह डन हो गया है, थोड़ा जल्दी डन हो गया था। वैसे तो आपको पता है बेसिकली मेरे कुछ फ्रेंड्स को कि मैं डिनर लेट करता हूँ, पर आई मैं डिनर जल्दी डन हो गया है। सो अभी मैं जाऊँगा थोड़ी वॉकिंग वगैरह पे, क्या होता है ना खाना खाने के बाद घर वाले बोलते हैं कि वॉकिंग वगैरह करनी चाहिए, तो अभी बस वही करने लगे हैं। सामने कभी दिखाता हूँ, सन्नाटा छाया हुआ, कोई नहीं है सड़कों पर, आवारा घूम रहा हूँ, घूम नहीं रहा, साथ में मम्मा भी हैं, मामी भी हैं, नानी भी हैं, मामू भी हैं, आवारा घूम रहा हूँ, घूम नहीं रहा, घूमने लगा हूँ मतलब स्टार्ट करने लगा हूँ। तो दिखाता हूँ क्या व्यू है घर का, क्या नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है गाइस। और सुनने में आया है कि रात की वॉक, खाना खाने के बाद वॉकिंग तो करनी चाहिए, जो कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना चाहिए, वॉकिंग वगैरह करनी चाहिए। सो मैं तो करने लगा हूँ वॉकिंग, थोड़ी देर करूँगा 10-15 मिनट एंड देन मैं चल जाऊँगा घर। सो गाइस मैं थोड़ी देर ही करूँगा, बस थोड़ी देर ही करूँगा वॉकिंग वगैरह। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि सड़कों के पर कोई नहीं फील रहा, सड़क तो यानी गली है, कोई नहीं है इधर। और मैं थोड़ी देर ही वॉकिंग वगैरह करूँगा, देन उसके बाद मैं जाऊँगा घर, फिर मामी मेरी बनाएगी शेक और मैं उसको पीऊँगा, देन सोऊँगा। पर थोड़ा बहुत मतलब कर सकता हूँ कि मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा वॉकिंग कर सकता हूँ, क्योंकि क्या ना, अगर एक बार मैं शुरू हो जाऊँ फिर मैं करता रहता हूँ। सो भी चलते हैं घर, थोड़े बहुत व्यू शॉर्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ आपको कि सड़कें कैसी हैं, भूतों का साया है यहाँ पे तो। कोई नहीं है गाइस, मेरे अलावा कोई नहीं डोल रहा अभी यहाँ पे, सब सो गए, सबके एसी वगैरह ऑन है, मेरे अलावा सिर्फ इस गली में मेरी फैमिली मेम्बर्स ही डोल रहे हैं और कोई नहीं डोल रहा, खाली खाली प्लांट है, क्या पता कौन सा जानवर निकल के आ जाए। पर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है वॉकिंग वगैरह करने में। गाइस वॉकिंग वगैरह डन हो चुकी है, 15 से 20 मिनट की मैंने वॉकिंग कर ली है और अब मैं जाऊँगा घर, फिर पीऊँगा बनाना शेक, देन मैं लगाऊँ सोने, फिर मिलेंगे सुबह नए ब्लॉग के साथ। और अभी जा रहा हूँ मैं घर, तो मिलते हैं घर जाके, बाय गाइस। तो गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ, आज मैं बेड पे हूँ, बेड पे ब्लॉग एंड करने लगा हूँ, बोन नींद आ रही थी इसलिए मैंने ब्लॉग एंड बेड पे किया।